हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अमेजिंग इलेक्ट्रिक फैक्ट चैनल पे। जैसा कि आप स्क्रीन पर अपने देख रहे हो, एक मैं 11 केवी के पावर सप्लाई को दिखा रहा हूं आपको। इसमें किसी पावर सप्लाई को, जो 11 केवी पावर सप्लाई, इसको टर्न कैसे करते हैं, जैसे लेफ्ट या राइट। पहले आपको मैं दिखा दूं यहां पर कि पहले यहां लेफ्ट टर्न हुआ है 11 केवी कनेक्शन दे के। देख रहे हो आप कि तीनों फेजों को थोड़ा नीचे ला के उसके बाद डायरेक्टली लेफ्ट टर्न कर दिया गया है। और यही अगर बात करें हम आगे, तो राइट भी टर्न कैसे किया गया है। 11 केवी सप्लाई जो होती है, 11000 वोल्टेज को बोला जाता है 11 केवी सप्लाई, यानी 11 किलो वोल्ट। तो मैं इसी को आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आगे जाके ये क्या राइट टर्न हो जा रहा है, एक क्रॉस दो खंभों के बीच। देख रहे हो आप, इस पावर सप्लाई को राइट टर्न करा दिया जा रहा है और ये आगे जाके किसी और क्षेत्र में भेज दी जा रही है। तो 11 केवी को ऐसे डिवाइड करके इतने जगहों पर भेजा जाता है और इन दो खंभों में क्रॉस लगा के इनको अच्छी मजबूती देके राइट टर्न कराया गया है। जैसा कि आप देख रहे हो, इन थ्री फेज में 11 केवी आता है सप्लाई। इसमें आपका एक अर्थिंग भी स्पेशली दिया गया रहता है, जो आपने स्क्रीन पर देख रहे हो आप, ये वायर, इसको अर्थ करने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, ये ऊपर जाके इसकी बॉडी से जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर के बाद जो इंसुलेटर का बेस पॉइंट है उससे जुड़ा हुआ रहता है। और जो इंसुलेटर है वो चीनी मिट्टी का, यानी जो चीनी मिट्टी होता है उससे बना होता है। और इसको डिस्क टाइप इंसुलेटर बोला जाता है, डिस्क टाइप। ठीक है दोस्तों, ऐसा आप 11 केवी में ही देखते होंगे। और बाकी जो ओवरहेड लाइनों में होता है, जैसे पोल वाले तो आप देख ही रहे हो, पोल वाले पे एक टावर वाला भी लाइट होता है, तो उसमें अलग टाइप के इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं। इंसुलेटर सामान्यतः आपके चीनी मिट्टी के ही बनाए जाते हैं, मतलब चीनी मिट्टी के बने हुए इसमें लगाए जाते हैं। बाकी फाइबर के भी आते हैं और कई और सारे अचालक पदार्थों के आते हैं, तो उसमें यूज नहीं होता है। दोस्तों, इन तीनों के बीच ही हमें 11 केवी सप्लाई मिलती है, किसी एक में 11 केवी नहीं मिलता है सप्लाई। और इसे वापस स्टेप डाउन करके 440 वोल्ट या 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे घरों तक इसे पहुंचाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि इन तीनों फेजों के मध्य एक निश्चित दूरी रखी जाती है, जिसकी वजह से कभी हवाई बिजली या फिर कोई किसी तरीके का शॉर्ट सर्किट हो तो बचा जा सके। एक निश्चित दूरी आप सभी खंभों के बीच के वायरों में देख पाएंगे, और लेफ्ट या राइट जिस तरह भी सप्लाई गई है उनका समान दूरी के बीच RYB फेजों के मध्य दूरी आपको मिलेगी। और इसमें डिक्स टाइप, जो 11 केवी में सप्लाई में डिक्स टाइप चीनी मिट्टी के बने हुए इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं, जो इंसुलेटर काफ़ी सुरक्षा देते हैं, यानी पोल से सप्लाई से एक दूरी बनाए रखते हैं, यानी इनके बीच में एक अवरोधक का काम करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे आप क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइए। और वीडियो को लाइक भी जरूर करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये पता चले। थैंक यू।